उल्हास नगरात एका महिला डॉक्टरने नवजात बाळांच्या खरेदी विक्रीचा बाजार मांडल्याचं उघड झालं आहे. नवजात बालकांची लाखो रुपयांना विक्री करताना सामाजिक कार्यकर्ते आणि पोलिसांनी या डॉक्टरला रंगेहात पकडले आहे. त्यामुळे शहरात एकच खळबळ माजली आहे. अधिक तपास पोलीस करीत आहेत. दिनांक 17/5/23 को दोपहर 3 बजे क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप पाटिल और उनके स्टाफ ने महालक्ष्मी नर्सिंग होम उल्लासनगर कैंप 3 यहाँ पर छापा मार के वहाँ के डॉक्टर, 3 महिला और एक जेंट्स एक्यूज को ताबे में लिया. वहाँ एक बच्चे का बेचने का काम चालू था और फिर उन्होंने उनको जो पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी उस हिसाब से उन्होंने रेड किया था. और उन्होंने हमारे पास कंप्लेंट देने के बाद में हमने उसमें 4 महिला और 1 पुरुष आरोपी को गिरफ्तार किया है. आगे अभी उनकी आज कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया था तो 22 तारीख तक कोर्ट ने PCR दिया है. आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है. बच्चा जो बेचने को लाया था वो नासिक से महिला आई थी और वो पूरा बेचने का मामला उनका 7 लाख पे तय हुआ था. वो लेडी आरोपी है, उसी का बच्चा है. ये जो नर्सिंग होम है उसकी डॉक्टर है वो, और वो खुद ही MBBS डॉक्टर है. नहीं, पांच इसमें टोटल 5 एक्यूज है. एक जो एक्यूज है वो बेलगांव का है, 2 एक्यूज बिलोंग्स टू नासिक सिटी एंड 2 एक्यूज है वो, एक तो डॉक्टर है और एक उनकी यहाँ उनके साथ काम करने वाली महिला ही है. तो वो तय करते थे बच्चे की कैसी कीमत लगाना, लेकिन हमने मामला दर्ज किया हुआ है 370 IPC और 120 बी के IPC के मुताबिक और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक. आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा अभी इनका हर एक का क्या क्या रोल है, आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा. प्रतिनिधि कृष्णा महाले, महाराष्ट्र क्राइम स्पॉट न्यूज, उल्हासनगर.